हाय एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री रिविजिटेड। चलिए शुरुआत करते हैं मॉड्यूल 2 की। लेवल 1 में ही लास्ट सेशन में हमने लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस होता है वो भी जाना, इसके साथ साथ सोर्सेज के बेस पर कैसे आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं, कैसे कैटेगराइज करते हैं अलग अलग पीरियड्स को, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में, उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया। आज हम अलग अलग तरह के सोर्सेज की बात करेंगे। यहाँ पे सोर्सेज बहुत मैटर करते हैं क्योंकि उन्हीं के बेस पर हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। कुछ डायरेक्ट सोर्सेज हैं, कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं, कुछ रिलायबल है और कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर पूरी तरीके से रिलाई नहीं किया जा सकता। उन सोर्सेज में लिखी गई बातों को क्लेम करने के लिए हमें बाकी के बहुत से दूसरे सोर्सेज की मदद भी लेनी पड़ती है। तो आज हम इसी पर डिस्कशन करने वाले हैं और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। हर एक सोर्स जो है उसका मैं एक केस स्टडी भी यहाँ पर लूँगी। प्रॉपर तरह से हम एग्जाम्पल के थ्रू उनकी इम्पॉर्टेंस को भी समझने की कोशिश करेंगे। ये जो पर्टिकुलर मॉड्यूल होगा ये मेंस में यूपीएससी सीएससी का एक क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है, तो बहुत ही ध्यान से सुने और कैसे इन सोर्सेज की क्या सिग्निफिकेंस है, इम्पॉर्टेंस है, उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज की, यानी कि लिखित प्रमाण, लिखी गई चीज़ें, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो डायरेक्ट सोर्स में काउंट होती हैं। लिटरेरी सोर्सेज में भी सबसे पहले जो एग्जांपल हम लेने वाले हैं वो है इंस्क्रिप्शंस का। इंस्क्रिप्शंस एक तरीके से ऐसे सोर्सेज हैं, ऐसे लिखित प्रमाण हैं जिनमें जो बेस होता है, जिसके ऊपर कोई चीज़ लिखी जाती है, वो बहुत हार्ड होता है, जैसे कि पिलर्स, वॉल्स, रॉक्स, इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पर लिखा जाता है, तो ये यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस कहलाते हैं। मौर्यन पीरियड, आपने राजा अशोक के बारे में ज़रूर सुना होगा। अशोक जो है उन्होंने यहाँ पर अपनी प्रजा से बात करने की कोशिश की, उनको अपना मैसेजेस जो है वो डिलीवर करने की कोशिश की, एंड ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये यहाँ पर उन्होंने इंस्क्राइब करवाए काफ़ी हद तक। इसी तरीके से बहुत सारे रूलर्स भी रहे हैं जिनके कोर्ट पोएट्स ने इसी तरह के इंस्क्रिप्शंस में अपने राजाओं के बारे में बहुत तारीफ लिखी, बहुत प्रेज भी किया है उन्हें। तो हमारे पास इंस्क्रिप्शंस हैं, देन अगेन हम इन पर पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि नॉर्मली इन इंस्क्रिप्शंस को इंस्क्राइब करने का काम राजाओं ने और राजाओं के ही दरबार में रहने वाले पोएट्स ने किया है। तो नॉर्मली पोएट्स ऑब्वियसली राजाओं की कमियों की बजाय उनको ग्लोरीफाई करने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बड़े बड़े टाइटल्स जो हैं वो आपको इन इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपको कहा, पूरी तरह से ये रिलायबल नहीं है, हमें कुछ दूसरे सोर्सेज की भी मदद चाहिए होती है इन इंस्क्रिप्शंस में लिखी हुई बातों को एज इट इज क्लेम करने के लिए। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स आता है वो है मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स इंस्क्रिप्शंस के कंपैरिजन में या फिर उससे कैसे डिफर करती है, बेस को लेकर, मतलब जिस रॉ मटेरियल का हम यूज़ कर रहे हैं, हम किन चीज़ों पर लिख रहे हैं। इंस्क्रिप्शंस हार्ड सरफेस पर लिखे जाते हैं, लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट्स वो होती हैं जिसमें लिखने के लिए हमने जो सरफेस का यूज़ किया है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। वो कैसा भी हो सकता है, वो किसी पेड़ की छाल हो सकती है, कोई पत्ता हो सकता है, कोई कपड़ा होता है, हो सकता है। तो यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स का जो बेस है, रॉ मटेरियल जिसके ऊपर हम लिखने वाले हैं, वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है उसमें भी फर्थर कैटेगराइजेशन है, अलग अलग तरह के टेक्स्ट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में। यहाँ पे बहुत से रिलीजन्स, ऑब्वियसली भारत जो है वो एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, बहुत सी डाइवर्सिटीज़, बहुत कल्चर, अलग अलग तरह के कल्चर्स, ट्रेडिशंस आपको देखने को मिलते हैं और अलग अलग तरह के रिलीजन भी। तो रिलीजियस टेक्स्ट जो हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं और अलग अलग रिलीजन से जुड़े हुए बहुत ही ऑथेंटिक कंटेंट वाले रिलीजियस टेक्स्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि हिंदुज़म में आप देख सकते हैं वेदों को, वैसे ही इस्लाम में आपको कुरान देखने को मिलती है, क्रिश्चियनिटी में आपको बाइबल देखने को मिलती है, वैसे ही यहाँ पे ज़ोरास्ट्रिज्म जो है, यानी कि पारसीज का जो यहाँ पे जो रिलीजन है उसमें आपको जैन अवेस्ता देखने को मिलती है। तो ये बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेज हैं और ये रिलीजियस टेक्स्ट हैं। इनके अलावा भी बहुत से दूसरे टेक्स्ट भी थे जो इसके अलावा लिखे गए, एंड उन रिलीजियस टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वो एक तरीके से लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस में बांधने के लिए थे और उन्हें ये समझाने के लिए कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी ना किसी तरीके से डिविनिटी से जुड़े हुए हैं। मैं ये कहूँगी कि रिलीजियस टेक्स्ट काफ़ी हद तक सोसाइटी को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट ज़रूर लेना चाहूँगी एज अ केस स्टडी और वो है महाभारत। आपने महाभारत जो है उसके बारे में सुना होगा। महाभारत एक बहुत ही लंबी कविता है। नॉर्मली ये जो महाभारत थी इसमें जो वर्सेस थे वो बहुत कम थे और तब ये विजय संहिता कहलाती थी।
आगे चल के इसमें बहुत सारे दूसरे वर्सेस भी डाले गए, बहुत ज़्यादा एडिशंस हुए, तब ये महाभारत बनी। लेकिन महाभारत को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये रिलीजियस टेक्स्ट की कैटेगरी में आता है, इतिहास जो है उसकी कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर आप इसके वर्सेस को देखेंगे और इस स्टोरी को थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर बुक जो है वो सोसाइटी में होने वाले चेंजेस को भी रिफ्लेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने द्रौपदी जो है उन कैरेक्टर को जाना होगा, महाभारत के एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के तौर पर द्रौपदी भी हैं। द्रौपदी जो कि 5 जो पांडव थे उनकी वाइफ थी, उनको यहाँ पर वरदान मिला था, उनको यहाँ पर एक हम कह सकते हैं एक ब्लेसिंग मिली थी जिसका जिसके अकॉर्डिंग वो हर एक कॉपुलेशन के बाद यहाँ पे अपनी वर्जिनिटी जो है वो रीगेन कर लेती थी। यानी आपको नहीं लगता है कि महाभारत का ये जो पर्टिकुलर सेक्शन जब कंपोज किया गया होगा उस समय में सोसाइटी में वर्जिनिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था, महिला की वर्जिनिटी? शायद इसी वजह से यहाँ पर द्रौपदी जो है उसको भी इस तरीके की ब्लेसिंग्स मिलते हुए दिखाया गया कि कैसे वो हर एक कॉपुलेशन के बाद अपनी वर्जिनिटी को गेन कर सकती है, उसका जो हाइमन है वो वापस से कैसे रीजनरेट होता है। तो ये रिलीजियस टेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ देवी देवताओं से जुड़े हुए नहीं हैं बल्कि इनडायरेक्टली हमें सोसाइटी के बारे में भी बताते हैं। इवन आज के टाइम पर भी भारत के बहुत से हिस्सों में वर्जिनिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हर एक काफ़ी सारी फैमिलीज है, काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ है, काफ़ी सारी जगहों पे वर्जिनिटी से जुड़े हुए कुछ रिचुअल्स भी होते हैं शादी के बाद। तो एक तरीके से ये रिलीजियस टेक्स्ट काफ़ी हद तक सोसाइटी को भी रिफ्लेक्ट करते हैं कि समाज में लोगों की क्या सोच थी, और वही चीज़ें जो है वो इनके कॉम्पोजिशन में भी देखने को मिलती है। तो रिलीजियस टेक्स्ट हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स है सोसाइटी के बारे में पता लगाने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो है सेक्युलर टेक्स्ट की, मतलब कि नॉर्मली पोएम्स है या कविताएं हैं, जैसे कि कालिदास की रचनाएं। कालिदास की बहुत सी रचनाएं हैं, उनके प्लेज हैं, ड्रामास हैं, पोएम्स हैं एंड एपिक्स भी उन्होंने लिखी हैं। तो मेघदूतम है, मालविका अग्निमित्र है, अभिज्ञान शकुंतलम है, ये भी काफ़ी अच्छे सेक्युलर टेक्स्ट हैं जो कि हमें काफ़ी हद तक एक तरह से रिच कंटेंट प्रोवाइड करते हैं इतिहास का। इसके बाद नेक्स्ट जो इस कैटेगरी में आएगा वो है अकाउंट बुक्स। भारत में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे ट्रैवलर्स आए, और ये जो ट्रैवलर्स थे ये अपने साथ अकाउंट बुक्स भी लेकर आए। मतलब इनकी आदत थी लोगों के बीच में रहना और जो भी अपने आसपास देख रहे हैं, जो भी ये सराउंडिंग में देख रहे हैं उस चीज़ को रिकॉर्ड करना। अगर मैं इन सभी टेक्स्ट की बात करूँ तो उनमें से सबसे रिलायबल सोर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो वो अकाउंट बुक्स ही होंगे, क्योंकि अकाउंट बुक्स में बाइस कंटेंट या फिर एग्जैजरेटेड कंटेंट बहुत कम होता था। इन ट्रैवलर्स ने जो भी चीज़ें देखी वही सारी चीज़ें इन्होंने नोट की। जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ तो आपने फाहियान के बारे में सुना होगा जो कि गुप्ता पीरियड में भारत आए थे। अब गुप्तास के अगर इंस्क्रिप्शंस पर ध्यान दें तो गुप्तास को बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही फेवरेट रूलर के तौर पर दिखाया गया है। इवन गुप्ता एरा को गोल्डन पीरियड कहा जाता है इतिहास का। लेकिन जब हम फाहियान की अकाउंट बुक्स पढ़ते हैं तब पता चलता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या थी। जनता जो है वो राजाओं से खुश नहीं थी, अनटचबिलिटी जो है वो फैली हुई थी, महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी और शूद्र जो हैं वो भी काफ़ी ख़राब स्थिति में थे। तो यानी ग्राउंड रियलिटीज़ जानने के लिए हमें कुछ और दूसरे टेक्स्ट की भी ज़रूरत होती है, और अकाउंट बुक्स, रिकॉर्ड बुक्स काफ़ी हद तक हमारी हेल्प करती हैं। तो लिटरेरी सोर्सेज में आपको इस तरीके के बहुत से कंटेंट देखने को मिलेंगे, सेक्युलर टेक्स्ट भी हैं, रिलीजियस टेक्स्ट भी हैं, अकाउंट बुक्स भी हैं, और इन सभी को पढ़ते हुए, इन सभी को एक साथ एनालाइज करते हुए हम किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट तक पहुंचते हैं कि किसी पीरियड में क्या हो रहा था। ठीक है, तो ये सारे रिलायबल नहीं हैं लेकिन सभी पर हम लोग यहाँ पर एक तरीके से, मतलब मैं कह रही हूँ कि भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन हम सारे टेक्स्ट को एक साथ पढ़कर एक कंक्लूजन तक पहुँचने की ज़रूर कोशिश करते हैं। हिस्टोरियंस यही काम करते हैं, अलग अलग तरह के जो टेक्स्ट हैं उनके ज़रिए यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल रियलिटी क्या थी। तो ये है लिटरेरी सोर्सेज। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो है कॉइन्स की। कॉइन्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। कॉइन्स की स्टडी को न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं एंड इवन भारत में भी न्यूमिस्मैटिक डिपार्टमेंट है जो कि आज भी बहुत से पुराने पुराने टेक्स, बहुत से पुराने पुराने कॉइन्स जो हैं उनकी स्टडी कर रहा है। आइए एक छोटी सी केस स्टडी लेते हैं और उससे न्यूमिस्मैटिक जो है उसकी इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं लेना चाहूँगी एग्जाम्पल गुप्ता कॉइन्स का। यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि गुप्तास के पीरियड से जुड़े हैं उसमें एक राजा का नाम है जिसका नाम था समुद्रगुप्त।
समुद्रगुप्त जो है वो यहाँ पर बड़े बड़े टाइटल्स लेता था, यानी कि इंस्क्रिप्शंस में बताया गया है कि समुद्रगुप्त अपने आप को परम भट्टकारा परमेश्वर कहता था। तो अगर वो अपने आप को गॉड के बराबर मानता था तो हमारे पास कुछ दूसरे एविडेंसेस भी होंगे जिससे हमें ये सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। तो अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल पर, इस कॉइन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो ऑब्वर्स पार्ट है उस ऑब्वर्स पार्ट में समुद्रगुप्त को दिखाया गया है और समुद्रगुप्त के पीछे एक हेलो बनाया गया है, अगर आप इसको यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एंड वी ऑल नो ये जो हेलो होता है ये नॉर्मली गॉड्स एंड गॉडेस के पीछे होता है, जो कि उन्हें डिविनिटी का बताता है कि वो डिवाइन ओरिजिन से है। तो परमेश्वर आप परम भट्टकारा जैसे टाइटल्स जो हैं वो यहाँ पर जस्टिफाई हो जाते हैं इस कॉइन के जरिए, जिसमें समुद्रगुप्त ने इन कॉइन्स को मिंट करवाया और उन्होंने अपने आप को गॉड की भांति एक बहुत ही ग्लोरीफाइड कैरेक्टर के तौर पर दर्शाया है। इसके साथ साथ ये कॉइन्स समुद्रगुप्त के बारे में और भी बहुत सी चीज़ें बताते हैं, जैसे समुद्रगुप्त इसमें वीणा बजाते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी कि उन्हें म्यूजिक से भी प्यार था। यानी आप देख पा रहे होंगे कि कॉइन्स के जरिए भी हम बहुत से लिटरेरी सोर्सेज जो हैं उनमें लिखे हुए कंटेंट जो है उसका ये पता लगा सकते हैं कि वो सच थे या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अलग अलग तरह के सोर्सेज को इंटरकनेक्ट करते हुए किसी एक कंक्लूजन पर पहुँचते हैं। तो कॉइन्स भी हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है यहाँ पे हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने का। आइए चलते हैं और दूसरे सोर्सेज की बात करते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर बिल्डिंग किस कंटेक्स्ट में पाई जा रही है, कहाँ पाई जा रही है, किस हालत में पाई जा रही है, उसके बेस पर भी हम काफ़ी हद तक इतिहास जो है उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताती हूँ। यहाँ पे ये जो मैप आप फिलहाल देख रहे हैं, ये मैप अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइट देखने को मिलेगी, वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है आज के समय में प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। मैं क्या बयां करना चाहती हूँ, आपको क्या बताना चाहती हूँ, जरा देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली अगर आप मोहनजोदड़ो की सिटी को देखेंगे तो वो सिटी कुछ इस तरीके की दिखती है। उस सिटी में दो हिस्से हैं, एक है अपर टाउन जो कि थोड़े से ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और एक है लोअर टाउन जो कि नीचे प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और उसका साइज भी काफ़ी बड़ा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे जो अपर टाउन है जिसे हम लोग सिटाडल भी कहते हैं, ये जो अपर टाउन है यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन पाया गया, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग पाई गई। आइए देखते हैं और उसके बाद मैं आपको इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में भी बताऊंगी। ये है द ग्रेट बाथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने ब्यूटीफुल तरीके से इस ग्रेट बाथ को बनाया गया है। नॉर्मली अगर आप इस ग्रेट बाथ को देखते हैं, यहाँ पे ये एक स्विमिंग पूल जैसा ही दिखता है। यहाँ पर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से लैडर्स हैं जो कि इसके अंदर आती हैं। इसको काफ़ी अच्छे से वाटर टाइट किया गया है बेस से, यानी कि इसमें पानी भरकर और इसमें शायद कुछ स्पेशल ओकेशंस पर ही डुबकी मारी जाती होगी। लेकिन हमने कैसे ये डिसाइड किया कि ये जो पर्टिकुलर बात है, ये पर्टिकुलर जो वेल टाइप जो चीज़, ये कंस्ट्रक्शन है, ये स्पेशल पर्पस के लिए ही होता होगा? ये हमने ऐसे डिसाइड किया कि ये किस जगह पर और किस हालत में पाया गया। एक्चुअल में ये जो ग्रेट बात है ये आपको सिटाडल यानी कि अपर टाउन में देखने को मिलेगा, और अपर टाउन जो है वो ऐसा माना जाता है हिस्टोरियन के द्वारा कि शायद ये वो एरिया था जहाँ पर एलीट लोग यानी कि अपर क्लासेस के लोग रहा करते थे। यानी कि काफ़ी हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग हरप्पन सिविलाइजेशन में भी सोशल डिफरेंसेस थे, तभी तो यहाँ पर टाउन को दो हिस्सों में बांटा गया था, एक लोअर टाउन और एक अपर टाउन। तो अपर टाउन में ये ग्रेट बात पाया गया है और उसी कंटेक्स में हम ये कह सकते हैं कि शायद इसकी अपनी एक अलग इम्पॉर्टेंस रही होगी, क्योंकि अगर ये लोअर टाउन में पाया जाता तो ये आम जनता का होता, लेकिन अगर ये अपर टाउन में पाया जा रहा है तो पूरी श्योरिटी है कि ये आम जनता जो है वो तो इस तक पहुंच नहीं सकती थी। तो इसी वजह से हमने इसको स्पेशल पर्पस बिल्डिंग की कैटेगरी में डाला, दैट इज ग्रेट बाथ। नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारा सोर्स है जिसके ज़रिए हम हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं वो है स्कल्पचर्स। आइए बात करते हैं मूर्तियों की, स्कल्पचर्स की, और उसके ज़रिए हम लोग कैसे हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। बेसिकली एक केस स्टडी के थ्रू ही हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप एक मूर्ति देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये किसकी मूर्ति है। ये है गौतम बुद्ध की मूर्ति। ठीक है, अगर आप गौतम बुद्ध की इस मूर्ति को देखेंगे तो ये मूर्ति जो है वो गांधार में पाई गई है, जिसको कांधार भी कहते हैं।
कांधार या गांधार कहाँ है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है ये भी, लेकिन एक और मूर्ति से इस पर्टिकुलर मूर्ति को, इस स्कल्पचर को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। यहाँ पर एक और आप गांधार में पाई गई मूर्ति देख सकते हैं और दूसरा जो है वो है हेलेनिस्टिक स्कूल ऑफ आर्ट का एग्जाम्पल। अगर आप इन दोनों ही स्कल्पचर्स को कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें एक जैसी देखने को मिलेगी, जैसे कि कपड़े और कपड़ों पे सिलवटें, ये ड्रापरी पैटर्न जो आप इसके अंदर देख सकते हैं, इवन इस मूर्ति में भी आपको इसी तरीके के ड्रेप्स देखने को मिलते हैं। वहीं अगर आप बालों पर थोड़ा सा ध्यान दें तो गौतम बुद्ध के जो बाल हैं वो भी कर्ली दिखाए गए हैं, काफ़ी घुंघराले दिखाए गए हैं, वैसे ही यहाँ पर भी आपको इसी तरीके के बाल देखने को मिलते हैं। हेलेनिस्टिक स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो यहाँ पे मेसिडोनियंस के अंडर हुआ करता था, मतलब कि यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज जो है वहाँ पर इस तरीके की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। तो ये नॉर्थ वेस्ट, भारत के नॉर्थ वेस्ट में ये सारे फीचर्स कैसे पहुँचे, ये मूर्ति कला के जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं ये वहाँ कैसे पहुँचे और कैसे ये भारत में बनने वाली इस तरीके की मूर्तियों में अपनाए गए, कुछ ना कुछ रिलेशन, कुछ ना कुछ कनेक्शन वेस्टर्न कंट्रीज का भारत से रहा होगा और ये है इतिहास। बेसिकली यहाँ पे अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद, अलेक्जेंडर द ग्रेट जब उन्होंने भारत पर अटैक किया था, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट से उन्होंने एंट्री करने की कोशिश की थी, उस समय में वो ऑब्वियसली सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि उनकी आर्मी ने ही मना कर दिया आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अलेक्जेंडर 20 नदी तक आ ज़रूर पाए थे। तो 20 नदी तक जहाँ तक भी वो पहुँच पाए, वहाँ तक पहुँच कर उन्होंने वहाँ से रिटर्न टिकट ले ली, मतलब वो वापस चले गए, लेकिन अलेक्जेंडर का इस एरिया तक भी आना, उसकी वजह से यहाँ पर मेसिडोनियंस जो थे उनकी जो पॉपुलेशन थी, ग्रीक लोगों की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब पॉपुलेशन अगर ग्रीक लोगों की बढ़ गई है तो वो अपने साथ अपना कल्चर लेकर आएंगे, अपने आर्किटेक्चर और स्कल्पचर मेकिंग के स्टाइल्स लेकर आएंगे, और जब वो ऐसा किया उन्होंने तब उन्होंने यहाँ पर रहने वाले जो लोकल इनहेबिटेंट्स थे, स्कल्पचर मेकर्स थे, क्राफ्ट्समैन थे, उनको भी काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। तो इस तरीके से वेस्टर्न स्टाइल के जो स्कल्पचर्स हैं उनके फीचर्स जो हैं वो यहाँ तक पहुँचे और यहाँ पर आपको गांधार स्कूल में, गांधार जो एरिया है वहाँ पर जिस तरीके के स्कल्पचर्स बने उनमें आपको ये एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो आपने इस एग्जाम्पल में क्या देखा कि कैसे स्कल्पचर्स की मदद से हम ये पता लगा पाए कि गांधार का जो रीजन था वहाँ के लोगों का किस तरीके से आइडियाज़ का एक्सचेंज हुआ हेलेनिस्टिक स्कूल ऑफ आर्ट के लोगों से, यानी कि वेस्टर्न स्टाइल में जो मूर्तियाँ बननी थी जो क्राफ्ट्समैन थे उनसे। तो ये कल्चर एडमिक्सचर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है जो इन स्कल्पचर्स में देखा जा सकता है। तो ये स्कल्पचर्स हैं और इनकी मदद से भी इतिहास को बहुत ही अच्छे से खगोला जा सकता है, समझा जा सकता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है आर्टिफैक्ट्स की। आर्टिफैक्ट्स भी हमें बहुत सारे अलग अलग जगहों पे देखने को मिलते हैं और उन आर्टिफैक्ट्स को भी हम लोग इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं और हिस्ट्री के पन्नों को लिखने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ होगा, उस समय के लोग कैसे होंगे, किस तरीके की सोसाइटी उस समय में एग्जिस्ट करती होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। हम बात करेंगे दाउजली हेडिंग की। दाउजली हेडिंग एक ऐसी साइट है जहाँ पर लोगों ने सबसे पहले खेती करना शुरू किया, मतलब कि वन ऑफ दी साइट्स। यहाँ पे आप बाकी की भी बहुत सारी साइट्स मैप में देख सकते हैं, आप मेहरगढ़, गुफकराल, बुरजाहूम देख सकते हैं, चिरान देख सकते हैं, उसी तरीके से दाउजली हेडिंग भी एक ऐसी साइट है जिसमें लोगों ने सबसे पहले खेती करना शुरू किया था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि दाउजली हेडिंग से हमें एक आर्टिफैक्ट मिला कुछ ऐसा, ये अगर आप थोड़ा सा आज के समय के अपने किचन में पाई जाने वाली चीज़ों से थोड़ा सा कंपेयर करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या है। ये है मोटर और पेस्टल, मतलब आज के समय में आपने ओखली देखी होंगी, इस तरीके से यहाँ पे हर्ब्स वगैरह या फिर दूसरी चीज़ों को ग्राइंड करने के लिए आप इस तरीके की ओखली का, मोटर पेस्टल का इस्तेमाल करते हैं। डोंट यू थिंक दाउजली हेडिंग में जो ये आर्टिफैक्ट पाया गया ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है? क्या हम इससे ये इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि उस समय के लोग जो हैं वो सिर्फ फसलों को, यहाँ पे क्रॉप्स को उगाते नहीं थे बल्कि उनको उगाने के बाद उन फसलों को, यहाँ पे जो भी ग्रेन्स वो उगाते थे उनकी ग्राइंडिंग भी की जाती थी, उनकी प्रोसेसिंग भी की जाती थी, उन्हें पीसा भी जाता था। तो देखिए हमने कैसे आज की चीज़ों से उन पुराने आर्टिफैक्ट्स को कंपेयर करते हुए समझने की कोशिश की और उस समय में लोग क्या करते थे वो भी जानने की कोशिश की। तो इस तरह से आर्टिफैक्ट्स भी हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स बनते हैं हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने का। तो आज हमने बहुत से अलग अलग तरह के सोर्सेज देखे और उन सोर्सेज के इम्पोर्टेंस को भी जाना। हमने यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स को समझा,
स्कल्पचर्स कैसे हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करते हैं वो भी देखा, आर्किटेक्चर की इम्पॉर्टेंस भी देखी, कॉइन्स को भी समझा, और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे लिटरेरी सोर्सेज जो हैं उनको भी समझने की कोशिश की। यहाँ पे किसी भी एक सोर्स पर हम लोग कभी भी रिलाई नहीं कर सकते, हम अलग अलग सोर्सेज जो हैं उनको साथ में लेकर चलते हैं, और अगर दो से तीन सोर्सेज में एक ही चीज़ को क्लेम किया जा रहा है तभी हम कंक्लूजन पर पहुँचते हैं कि ये चीज़ वाकई में सच होगी उस पर्टिकुलर पीरियड के बारे में, इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। तो आज हमने सोर्सेज को एनालाइज किया, स्टडी यहाँ पे केस स्टडी भी देखी, कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स भी लिए। आई होप आपको ये मॉड्यूल पसंद आया होगा। आगे आने वाले मॉड्यूल्स में भी हम इतने ही इंटरेस्टिंग चीज़ों को लेकर आएंगे और हिस्ट्री को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये पर्टिकुलर पार्ट पसंद आया तो ज़रूर हिट का यानी कि लाइक का बटन जो है वो ज़रूर क्लिक करना है आपको। इसके साथ साथ इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इन वीडियोस को शेयर करते रहें। इसके साथ साथ अनअकैडमी प्लस पर भी मैं पढ़ा रही हूँ, जहाँ पर आपको फुल फ्लेज कोर्सेज एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे। इवन 13th जुलाई से कुछ नए बैचेस भी शुरू हो रहे हैं, आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यहाँ पर 24 months, 12 months, 6 months के लिए। एंड अगर आप उस सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिविजिट 10 नाम से जो रेफरल कोड है यहाँ पर जो आप इसमें देख भी पा रहे होंगे, इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पे 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी ना जाने दें, और इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन वीडियोज़ को एक तरीके से शेयर करना ना भूलें। बेल जो आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करें ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।